हरियाणा बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की जिला शाखा करनाल की ओर से बाल भवन करनाल में ऑनलाइन राष्ट्रीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बाल महोत्सव का शुभारंभ बाल भवन अध्यक्ष व उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए इस बार सभी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन करवाई जाएंगी, जिसको 71 ग्रुप में बांटा गया है और इसमें 23 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उनकी प्रतिभा को उपयुक्त मंच प्रदान करना है। यह प्रतियोगिताएं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इन प्रतियोगिताओं में 2,00,000 बच्चों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार 5,00,000 बच्चों को कार्यक्रम में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बच्चों से, अभिभावकों से अपील की कि अपने अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में अव्वल आने वाले बच्चों की पेंटिंग व अन्य गतिविधियां राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भेजी जाएंगी। यहाँ पर अव्वल आने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर खंड बाल विकास अधिकारी प्रदीप मलिक, उर्वशी विंग, संतोष आर्य, अंजू शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आज हमने हमारे यहाँ जो बाल दिवस आने वाला, जो बाल दिवस है 14 नवंबर को, उसके उपलक्ष्य में जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल जो है, उसके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय एक बाल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और जो वैसे हर बार फिजिकली होता था, इस बार कोविड के चलते ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और करनाल जिले की जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल है, जिला बाल कल्याण परिषद, वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके एक्टिविटीज़ करवा रही है। और उसके अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन बाल महोत्सव है, ये 1 महीने चलेगा और नवंबर में, 14 नवंबर को जो बाल दिवस है उस दिन कंक्लूड होगा। इसमें विभिन्न 23 कैटेगरीज़ में 23 तरह की एक्टिविटीज़, 23 एक्टिविटीज़ इसमें शेड्यूल की गई हैं। उदाहरण के तौर पे निबंध लिखना है, पेंटिंग है, डांस कॉम्पिटिशन्स है, सिंगिंग है। और टोटल 74 ग्रुप्स बनाए गए हैं एज ग्रुप्स के हिसाब से। इसमें बच्चों को एक पोर्टल के ज़रिए जोड़ा गया है। पोर्टल का जो एड्रेस होगा वो childwelfarehariana.com। इस पोर्टल पे बच्चे अपने 2 से 3 मिनट की वीडियोग्राफ्स या फोटोग्राफ्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी में हमारे जजेस हैं, वो इन वीडियोस को, फ़ोटोज़ को एनालाइज़ करेंगे और उसके बेसिस पे जो टॉपर्स हैं उनको बाल दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा बाल कल्याण परिषद का जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों में किस तरीके से एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों के सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और इसी सिलसिले में समय समय पे हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। जून महीने में हमने एक बाल संगम करके प्रोग्राम कराया था, जिसमें इसी प्रकार की बच्चों की एक्टिविटीज़ हमने ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए कराई थी और अवार्ड्स भी वितरित किए थे। इसी प्रकार से ये एक एक्टिविटी है। मैं हमारे सभी मीडिया के जो साथी बंधु हैं उनके ज़रिए आग्रह करना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स से विशेष रूप से, कि वो इन बच्चों को इन एक्टिविटीज़ से जोड़ें। किसी की भी कोई लिमिट नहीं है, करनाल ज़िले का कोई भी बच्चा इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अलग अलग एज ग्रुप्स के आधार पे कैटेगरीज बनाई गई हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे ऐसा मेरा मानना है, ताकि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। रजिस्ट्रेशन पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे के साथ ही, तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे, उसके साथ पार्टिसिपेशन करेंगे। नाम निकाले जाएंगे, बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, वो ब्लॉक लेवल पर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे या कैटेगरीज में? सो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप एंड देन स्टेट में उनकी एंट्री जो है, जो हमारे टॉपर्स हैं वो स्टेट में जाएंगे। अलग अलग जिलों से जितने भी बच्चे आएंगे उनका कॉम्पिटिशन स्टेट पे होगा, तो स्टेट पे भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ऑनलाइन अपलोड करेंगे, उसका सिलेक्शन कौन करेगा? हमारे जजेस हमने अलग अलग कैटेगरीज में रखे हैं, ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो इन सभी जो 74 कैटेगरीज हैं उनकी जजिंग करेंगे और उसके बेसिस पे बच्चों को अवार्ड दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कोई लिमिट भी नहीं है कि एक बच्चा कितने कंपटीशन कर सकता है, कितने भी कर सकता है। तो कोई भी बच्चा टोटल जो 23 कैटेगरीज हैं, सभी 23 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। childwelfarehariana.com इस पे वेबसाइट पे जा करके बाल महोत्सव के नाम से एक लिंक है, उस पे रजिस्ट्रेशन कराएं और उस पे तुरंत अपने वीडियोस और फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं। रिजल्ट वगैरह कब तक रहेगा?
आने वाले बाल दिवस पे 14 नवंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर करके और जो विजेता है उनको हम जिला स्तरीय कार्यक्रम करके अवार्ड देंगे। सर एक दिन बाल दिवस मना रहे हैं, दूसरा हम देखते हैं रेडी खड़े बालों को छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं और दलील ये दी जाती है कि एक खाने का इंतजाम नहीं है, आप ले जाओ खराब कर दो, तो उस तरह की पोजीशन। देखिए चाइल्ड लेबर पूरे भारत में एक कानून अपराध है, जुर्म है, और अगर इस तरह की कोई भी चीज आती है, हमने चाइल्ड हेल्पलाइन यहाँ पे शुरू की है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे भी कोई भी कॉल्स आते हैं। आई अज्यूम कि हमारे दिन के कितने रफली कॉल्स आते होंगे चाइल्ड हेल्पलाइन पे? 30 से 35 ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे जो डिस्ट्रेस में होते हैं, जो परेशानी में होते हैं, वो हमें कॉल करते हैं और हम उसको तुरंत जो है अपनी टीम भेज करके मौके पे तहसीलदार SHO को भेज करके उन बच्चों को उस परेशानी से निकालते हैं। कुछ केसेस मैं देख रहा था तो जैसे एक बच्चे का कॉल आया हुआ था कि उसके पिताजी शराब पी करके उसके साथ मारपीट करते हैं, तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास आए हैं और हमने इंश्योर किया है कि बच्चों की को किसी भी तरह के डिस्ट्रेस ना हो। तो अगर किसी के पास ऐसी सूचना आती है कि रेहड़ी पे, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पे अगर कोई चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो तुरंत जो है प्रशासन को सूचना दें, यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है इनको सूचना दें, हम तुरंत कार्रवाई करें। सर सूचना की अगर बात की जाए तो रेड लाइट पर हमेशा जो भीख मांगते हैं, 2-2 महीने के बच्चे हैं और वहाँ सीसी कैमरे लगे हैं, तो प्रशासन की नज़र में तो पहले ही है क्योंकि सीसी कैमरे लगे हैं। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, कुछ बच्चे हैं जो छोटी उम्र के हैं और भीख मांगते हुए नजर आते हैं, वो हमारे नॉलेज में भी आए हैं, तुरंत उनका जो पुनर्वास है उसकी इंतजाम किया जाएगा और हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी चाइल्ड लेबर है वो जिले में ना हो रही है। सर वीडियो MB की बात करें, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे रह जाते हैं, कई बार पोर्टल नहीं चलता, पर MB रखी गई, कितनी MB का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? साइज की कोई लिमिट नहीं है, बस ड्यूरेशन का है कि 2 से 3 मिनट की वीडियो है वो जो इस पे वेबसाइट पे जाकर के कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि किस में वीडियो बनाना है, किस में फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। तो इसमें सर कभी पोर्टल नहीं चलता तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे इमरजेंसी के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे इवन हमारे बाल भवन के नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के चलते जो बच्चों की ई लर्निंग की भी प्रक्रिया शुरू करी हुई है और हम रेगुलरली रिव्यू करते हैं कि कितने बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। हमने एक शिक्षा मित्र करके भी एक कार्यक्रम शुरू किया कि अगर जिन परिवारों में मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसे में काफ़ी सारे युवा आगे आए हैं जिन्होंने अपना एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अपना स्मार्टफोन बच्चों को अवेलेबल कराया है ताकि बच्चे ई लर्निंग कर सकें। तो जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है जिन घरों में, वो इन शिक्षा मित्रों की मदद ले सकते हैं, अपने किसी भी परिचित की, रिश्तेदार की, पड़ोसी की मदद ले सकते हैं और वो वीडियो या पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। सर क्या आप एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जिस पर आपको बाल दिवस आ रहा है, अधिकतर शॉप पर जो स्वीट शॉप होती है उनके ऊपर बच्चे होते हैं, चाहे मार्केट में शॉप हों उन पर बच्चे होते हैं, तो क्या दुकानदार हैं उनको आप कुछ ऐसा मोटिव देना चाहेंगे? बिल्कुल, मुहिम भी चलाएंगे हम, जागरूक भी करेंगे और मैं आप लोगों के जरिए करनाल के सभी लोगों से बात पहुँचाना चाहूँगा कि अगर किसी को भी चाइल्ड लेबर की कोई भी सूचना मिले तो हमारे जो बाल भवन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पे उसकी शिकायत या उसकी जानकारी जरूर उपलब्ध कराएं ताकि हम एक्शन ले सकें। सर डिपार्टमेंट से अलावा कुछ एक टीम गठित हो सकती है सर, जो फील्ड के अंदर जो एक्टिव रहे? जरूर हम इस पे विचार करेंगे, जो हमारे SDMs हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों तक पहुँचे और ये शिकायतें लें। शहीद पैनी चौधरी को लेकर उनके बाबा की मांग है काफी 2 साल से कि चाहे कोई चौराया बनाया जाए, चाहे कोई कॉलेज का नाम रखा जाए, तो इसके मामले में आपको कुछ कहना है? मेरे संज्ञान में ये मांग नहीं थी, क्योंकि आपने ये मेरे संज्ञान में लाई है ये बात, तो अब हम जरूर इस पे गौर करेंगे और जो भी उनकी मांग होगी उनका उसको पूरा करेंगे। पिछले दिनों स्कूलों में फंड भेजा गया था वॉल पेंटिंग के लिए ताकि बच्चे वहाँ से कुछ सीख सके, लेकिन स्कूल तो पहले ही बंद पड़े थे, उतने टाइम में वो जो है पेंटिंग खराब हो जाएगी, तो सर कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा स्कूलों में? मैं इसकी मेरे संज्ञान में अगेन नहीं था, इसकी जांच कराएंगे हम, इंश्योर करेंगे कि अगर इस तरीके की बात है कि अगर बाला पेंटिंग्स कहीं पे हुई हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, तो उसको जब बच्चे स्कूल खुलेंगे और बच्चे जब आने शुरू होंगे तो वो पेंटिंग्स उसी स्थिति में हों, ये इंश्योर करेंगे। एक और चीज़ मैं एडिशनल बताना चाहूँ कि स्मार्ट सिटी के तरफ से शहर के जो 9 स्कूलें हैं उनमें 53 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं, काफ़ियों में काम चला भी हुआ है, मैं खुद इंस्पेक्शंस करके आया हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि जब स्कूल्स खुलेंगे और बच्चे आने होंगे उससे पहले हम इन 53 क्लासरूम्स को स्मार्ट बना दें, वहाँ पे LED स्क्रीन्स लगेंगी जिस पे टीचर्स उन स्क्रीन्स के जरिए पढ़ाएंगे, रोबोटिक्स लैब वगैरह लगेगी, तो उसकी भी हमने इसमें तैयारी की है। धीरे धीरे फिर अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो
शहर की जितनी भी हमारी 40-45 सरकारी स्कूलें हैं सब तक हम इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करें। 15 तारीख को स्कूल खुलने जा रहे हैं, क्या हिदायतें दी गई हैं जो करनाल के अंदर? जो डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन है उनकी तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो अभी आना रहता है। हमें उम्मीद है कि कल या परसों में हमें वो SOP मिल जाएगा, उसके बाद हम सभी स्कूलों में सारे ब्लॉक्स में ये SOPs का प्रचार प्रसार कर देंगे ताकि स्कूलें कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए चल सके। सर एक नेकी का दीवार का मामला एक बड़ा मामला है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.